यूं तो हमने साल 2021 की शुरुआत से लेकर अब तक ऐसे कई सितारे टीवी सीरियलों में देखे हैं, जो अब तक अपने शो में मौजूद हैं और अच्छे से काम करते हुए दर्शकों के दिलों पर राज कर रहे हैं, जिसके चलते आज वो खूब फेमस हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि छोटे पर्दे के उन्हीं सितारों में 8 ऐसे अभिनेता हैं जो साल 2021 की शुरुआत में इतनी बुरी तरीके से फ्लॉप हुए हैं कि उन्हें कोई देखना तो क्या, उनका नाम तक सुनना पसंद नहीं करता। तो इसीलिए आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको साल 2021 के उन फ्लॉप सितारों से रूबरू कराएंगे जो बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हुए हैं। तो फिर आइए जल्दी से मिलते हैं उनसे। नंबर 1 पर है किंशुक महाजन। सीरियल पांड्या स्टोर्स में गौतम पांड्या की भूमिका में नजर आए अभिनेता किंशुक महाजन का नाम इस लिस्ट में सबसे पहले आता है, जो शो में गौतम की भूमिका को बेहद ही खूबसूरती से निभा रहे थे। बावजूद इसके वो साल 2021 में बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हो गए, क्योंकि दर्शकों ने ना तो उनका किरदार ज्यादा पसंद किया और ना ही उनकी एक्टिंग, जिसके चलते वो सातवें आसमान तक पहुँचते पहुँचते नीचे गिर गए। नंबर 2 पर है कर्मवीर शर्मा। साल 2020 में टेलीकास्ट हुआ शो शौर्य और अनोखी की कहानी तो आप सभी ने देखी ही होगी, जिसमें अभिनेता कर्मवीर शर्मा शौर्य की अहम भूमिका में नजर आए थे, पर वो भी इस एक साल के अंदर बुरी तरीके से फ्लॉप हो गए, क्योंकि दर्शकों ने उन्हें कुछ खास पसंद नहीं किया था, जिसके चलते ये शो 12 महीने के अंदर ऑफ एयर हो गया। नंबर 3 पर है शाइनी दोषी। जी हाँ दोस्तों, किंशुक महाजन के साथ साथ शाइनी दोषी ने भी सीरियल पांड्या स्टोर्स में काम किया था और वो भी इसी के साथ बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई, क्योंकि ना तो उनकी जोड़ी किंशुक महाजन के साथ मेल खा रही थी और ना ही पसंद की गई, इसीलिए ये भी साल 2021 की फ्लॉप एक्ट्रेस साबित हुई। नंबर 4 पर है देबात्मा शाह। इस लिस्ट में चौथा नाम शुमार होता है शौर्य और अनोखी की कहानी में नजर आई अभिनेत्री देबात्मा शाह का, जो शो में अनोखी के लीड रोल में हमें नजर आई थी, जहां भले ही शो में उनकी खूबसूरती को खूब सराहा गया हो, लेकिन शो लोगों को ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा, जिसके लिए शो को ऑफ एयर करना पड़ा। नंबर 5 पर है आदित्य ओझा। जी हाँ दोस्तों, 2021 में टेलीकास्ट हुआ नया सीरियल नमक इश्क का तो आपको जरूर याद होगा, जहां अभिनेता आदित्य ओझा युग प्रताप की भूमिका में नजर आए थे और शो में वो बहुत कम नजर आए थे, इसीलिए उनको दर्शकों से ज्यादा प्यार नहीं मिल पाया और ये बुरी तरीके से फ्लॉप हो गए। नंबर 6 पर है श्रुति शर्मा। नमक इश्क का सीरियल में कहानी के किरदार में श्रुति शर्मा हमें नजर आई थी। उन्होंने शो में एक नाचने वाली औरत का किरदार निभाया था, जिसे दर्शकों ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया, इसीलिए वो भी साल 2021 की फ्लॉप एक्ट्रेस साबित हुई। नंबर 7 पर है जिज्ञासा सिंह। वर्तमान में कलर्स टीवी पर प्रसारित हो रहा है शो थप की प्यार की सीजन 2 में नजर आ रही हैं अभिनेत्री जिज्ञासा सिंह भी इस साल 2021 में बुरी तरीके से फ्लॉप हुई हैं। जी हाँ, पहले सीजन के मुताबिक लोग उन्हें उतना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये पहले जैसी एक्टिंग शो में नहीं कर पा रही, इसीलिए दर्शकों का मानना है कि ये शो जल्द ही ऑफ एयर हो सकता है। नंबर 8 पर है सिम्बा नागपाल। जैसा कि हम सबको ये अच्छे से मालूम है कि सिम्बा नागपाल अपने पॉपुलर शो शक्ति अस्तित्व के एहसास की के बाद बिग बॉस सीजन 15 के घर का हिस्सा बने हैं, लेकिन शो में वो ना तो कुछ खास कमाल कर पा रहे हैं और ना ही अपने टास्क को पूरा कर सके, जिसके लिए उन्हें बिग बॉस के घर से बेघर होना पड़ा, इसीलिए वो भी साल 2021 में बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हुए हैं। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे साल 2021 के इन फ्लॉप स्टार्स के बारे में, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम खबरों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।